वनीला केक, वो भी गनाश की टॉपिंग के साथ। तो शुरू करें। चॉकलेट कप विथ वनीला केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट कप बनाना पड़ेगा, और चॉकलेट कप बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये जो चॉकलेट का स्लैब है मेरे पास, उसे कुछ इस तरह से कट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए चॉकलेट को कट करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट को इस तरह से कट कर लिया है और अब हम इसे मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है जिसमें पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसके ऊपर रख दिया है ग्लास का ये दूसरे वाला बाउल, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट। ध्यान रखेगा नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर वाले चॉकलेट के बाउल के अंदर ना आ जाए, उसका बिल्कुल ध्यान रखेगा, वरना जो चॉकलेट है वो ख़राब हो जाएगी। आप चाहो तो चॉकलेट को माइक्रोवेव के अंदर भी मेल्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा माइक्रोवेव में आप 10-10 सेकंड्स के ब्रेक के साथ चॉकलेट को मेल्ट कीजिएगा, वरना चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो बर्न हो जाती है। तो ये लीजिए, चॉकलेट हमारी यहाँ पर मेल्ट हो गई है और बहुत ही यम्मी लग रही है। इसे अभी हमें डायरेक्ट नहीं खाना है, इसके अभी हमें कप तैयार करने हैं। तो आइए जल्दी से इसके कप तैयार कर लेते हैं। तो कप मैं यहाँ पर पेपर वाले इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर चाय पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, वो छोटी साइज़ के ही यूज़ कर रही हूँ। उसका रीज़न बस एक ही है कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो कम क्वांटिटी में होती है तो ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो बस इस कप के अंदर हमने जो चॉकलेट मेल्ट की है ना उसे डाल देंगे, और डालने के बाद इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ध्यान रखिएगा लेयर जो है थोड़ी सी थिक रखिएगा, यानी कि थोड़ी मोटी रखिएगा, वरना होता क्या है कि जब हम ये कप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो जो चॉकलेट कप हमारा होता है ना, या तो वो टूट जाता है या बीच बीच में उसके अंदर कहीं ना कहीं छेद हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेयर मोटी सी रखनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कप के अंदर ये जो चॉकलेट है वो अच्छे से स्प्रेड कर दी है। आइए अब इसे फ्रिज में रख लेते हैं, और फ्रिज में हम इसे करीब 15-20 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो अच्छे से फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पर 10-15 मिनट हो गए हैं और मेरे जो चॉकलेट कप है वो रेडी हो गए हैं, अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके जो ऊपर के किनारे हैं ना वहाँ से हल्का सा कट कर लेते हैं कप को, और कप को कट करते टाइम ध्यान रखिएगा जो अंदर हमारा जो कप है चॉकलेट का वो कहीं टूट ना जाए। बस इसे इस तरह से करके टियर कर लेना है, हल्का हल्का सा फाड़ते रहना है। जैसे कप फट जाएगा, हमारा जो अंदर वाला चॉकलेट का कप है ना वो आसानी से बाहर निकल आएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाती है ये। तो इस तरह से करके मैंने एक बार हमारे जो चॉकलेट कप है उसे तो हमने बाहर निकाल लिया है, आइए दूसरे वाला चॉकलेट कप है उसे भी एक बार हम पेपर कप से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाला चॉकलेट कप भी बिल्कुल परफेक्टली बाहर आ गया है। थोड़ा सा थिक रखने की वजह से बस यही फायदा होता है कि ये टूटता नहीं है। तो इसे लगा देते हैं एक बार फ्रिज में ताकि मेल्ट ना हो जाए, और बाकी की फिलिंग जो है वो और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वनीला केक ले रही हूँ, वनीला केक मैं तैयार नहीं कर रही हूँ, जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है ना वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये वनीला केक का सबसे पहले तो मैं हाथ से थोड़ा सा चूरा सा कर लेती हूँ, ताकि हम हमारे कप के अंदर ईजिली से फिल कर पाए। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने वनीला केक का चूरा भी कर लिया है। तो आइए जल्दी से कप के अंदर फिलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कप के अंदर वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ। तो वनीला आइसक्रीम डालने के लिए मैंने आइसक्रीम को इस तरह से कोन में भर लिया था, और कोन में भरने के बाद हम आसानी से इसे कप के अंदर फील कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए, मैंने जो वनीला आइसक्रीम है उससे मेरे कप जो है वो हाफ ऑफ फील कर ली, क्योंकि और भी चीज़ें मुझे ऐड करनी है। इसके बाद बारी आ जाती थी क्रम्बल वनीला केक की, तो मैंने 2-3 चम्मच वो भी डाल दिया। अब बारी आ जाती थी गनाश को डालने की, तो गनाश को भी मैंने इसी तरह से पैकिंग बैग में डाल लिया था जिससे इजीली से फिल कर पाऊँ। तो ये लीजिए, गनाश डालने के बाद हमारे चॉकलेट कप इतने यम्मी लग रहे हैं, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स और डाल दिए थे। तो यहाँ पर हमारे चॉकलेट कप बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये बेस्ट डेजर्ट हो जाता है। ये वाले डेजर्ट को आप आसानी से बना भी सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, और हाँ बनाने के बाद आप इसे आराम से फ्रिज में 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो ये वाले चॉकलेट कप को एज ए डेजर्ट जरूर बनाइए, सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।